चिरंजीत का, ये भी बंगलुरु से जुड़ रहे हैं। चिरंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मेरे पास सिप्ला का 50 शेयर्स है, 1535 में लिया था, और फॉर लॉन्ग टर्म आई कैन होल्ड इट। और एक शेयर सर कोल इंडिया लिया था 100 शेयर 491 में। ओके राजेश जी, हाँ बोलिए बोलिए, चिरंजीत जी बोलिए। जस्ट वांटेड टू नो हाउ इट विल गो इन फ्यूचर। ओके नो प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन सिप्ला पे है, सिप्ला इनके है 1535 वाले, 1535 पे खरीदा है, 1483 चल रहा है। पहले सिप्ला बताइए। नीरज जी देखिए, सिप्ला मेरे हिसाब से एक बेहतरीन काउंटर है, और ये जब चलने लगता है तो ये रुकता नहीं है। फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, स्लाइटली करेक्शन मोड में है। अगर आप इसके वीकली चार्ट पे देखें तो ये जो करेक्शन शुरू है वो करीबन 1570-1580 के लेवल से शुरू है, और ये अभी फिलहाल 1450 पे है, 1482 पे है। तो देखिए, मुझे लगता है ये 1420-1450 इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, जो इसका 100 और 200 डीमे का क्लस्टर है। तो जैसे कि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, तो अगर नीचे मिलता है, डिप मिलता है इस लेवल के आसपास, तो आप इसमें जरूर बने रहे, इनफैक्ट ऐड करें। और तो सामने मुझे लगता है इवेंचुअली ये इसका जो हाई है 1570-1580 का, ये निकालेगा और ये करीबन 1600 के पार चला जाएगा। तो सिप्ला ये ऐसा काउंटर है कि आपको ये रोज रोज मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन करेक्शन में ऐड करने लायक काउंटर है। तो मेरे हिसाब से तो ये बाय है। ओके तो इस पर होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिप्ला आपने ले रखा है। और दूसरा ने लिया कोल इंडिया 491 पे, कोल इंडिया में क्या राय बन रही है? देखिए, कोल इंडिया में कल एक ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि बाजार ब्रेकआउट के बाद थोड़ा पॉज लेता है, और ये सब काउंटर के साथ हो रहा है। हमने देखा ब्रेकआउट आता है देन पॉज आता है, और कोल का भी वही हाल है। कल इसमें ब्रेकआउट आया, और ये जो ब्रेकआउट था वो 475 के ऊपर था, कैश में 486 करंट मार्केट प्राइस है। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे बने रहे, 465 का स्टॉप लॉस होगा। इवेंचुअली इसका टारगेट जो मुझे लगता है 500 पार करेगा, 520 जो इसका रिसेंट हाई है वहां तक तो जाएगा। सो यस, कोल इंडिया इज अ बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड 520 तक के टारगेट कोल इंडिया में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आशुतोष का, दिल्ली से। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर, आशुतोष बोल रहा हूँ। मेरे पास रोटो पंप है, 160 शेयर्स है 454 के रेट्स पे, आई कैन होल्ड इट फॉर 6 मंथ, प्लीज एडवाइस। ओके, 6 मंथ के लिए रोटो पंप, 454 में लिया, 700 चल रहा है। राजेश जी देखिए, रोटोपंप में जो पिछले 3 दिन में जो 4 दिन में मोमेंटम है वो इस तरह से 510-520 का इसका जो प्राइस था वहां से ब्रेकआउट मिला, और 510-520 से सीधा 700 की तरफ भागा। मुझे लगता है इतनी बड़ी मूव मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये कूल ऑफ होगा, तो उन्होंने एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए मुझे लगता है। प्रोबेबली आपको ये फिर से 600 के आसपास मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग की ये जगह है रोटोपंप में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।